एक तरफ समाज में इंसानों के बीच मतभेद बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंसान और पशुओं के अद्भुत रिश्ते का एक मामला खंडवा में सामने आया है। डॉगी से जायसवाल परिवार का यह प्रेम दुनिया के लिए मिसाल बनता जा रहा है। दरअसल खंडवा में पिछले 16 साल से परिवार के सदस्य की तरह एक डॉगी रह रहा था, जिसका नाम उन्होंने टफी रखा। परिवार के बुजुर्ग टफी को बेटे के समान रखते थे। टफी जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो परिवारजनों ने घर के अंदर ही उसकी समाधि बना दी। परिवार का हर सदस्य सुबह शाम अपने इस सदस्य को भोग भी लगाता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मामला खंडवा के जायसवाल परिवार का है। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया रवि जायसवाल, जो एक व्यवसायी है, पत्नी शासकीय टीचर और बेटा इंजीनियर और दूसरी बेटी डॉक्टर। कहने को तो ये 4 सदस्यों का परिवार है, लेकिन हकीकत में इस परिवार में 5 सदस्य रहते थे। 5वां सदस्य एक डॉगी था, जिसका नाम टफी रखा था। जायसवाल दंपत्ति के यहाँ जब बच्चे छोटे थे, उसी समय इस पमेरियन पपी को पाला था। जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होते गए, या टफी भी बड़ा होता गया, जायसवाल परिवार ने इसकी परवरिश भी अपने तीसरे बेटे के रूप में की। पिछले 16 सालों में इस परिवार ने कई खुशी और गम के अवसर झेले, इनमें भी इस टफी की भूमिका बनी रही। टफी क्रिसमस के अवसर पर सांता क्लॉज बना, तो होली के मौके पर परिजनों के साथ रंग भी खेले और दीपावली पर पकवान भी खाए। पिछले दिनों 16 वर्ष के टफी ने अपनी उम्र पूरी कर ली। वहीं परिवार ने इस डॉगी का अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ किया। घर के दालान में डॉगी की समाधि बनाई और ओंकारेश्वर में उसका श्राद्ध और पिंडदान भी किया, और घर के एक सदस्य ने मुंडन भी करवाया। अब हर दिन यह परिवार इस समाधि पर टफी को पसंद आने वाले भोजन का भोग भी लगाते हैं। लगाव को तो भैया शब्दों में व्यक्त करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसको मैंने अपने बच्चे की तरह ही पाला। जब शुरू दिन उसको लाए थे तो मैं बहुत गुस्सा आई थी कि मैं इसकी देखरेख कैसे करूँगी, लेकिन फिर धीरे धीरे इतना स्नेह हो गया कि उसके बिना मतलब एक पल भी हम नहीं रह पाते थे। और मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा पहले इसकी केयर करी, और स्कूल जाना रहता था शुरू से ही, तो पहले मैं इसकी व्यवस्था करके जाती थी। और जब अकेला छोड़ के जाती थी तो दिन भर का शेड्यूल रहता था कि दिन में अगर 2 बार मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती थी तो पहले टफी का ही पूछती थी कि उसको खाना दिया कि नहीं। मेरे ब्रेन में उसके लिए पहले प्राइमरी स्टेज में टफी रहता था। 17 अप्रैल को लाए थे तो 17 अप्रैल का ही मनाते थे, और बर्थडे पे उसका केक आता था। बच्चे पूरा उसको केक का केप लगा के, जैसा हम अपना बर्थडे मनाते हैं उसका भी वैसे ही मनाते थे। जैसे दिवाली पे उसकी पहले व्यवस्था करते थे, उसके लिए अच्छा बनाना, अच्छा खिलाना। पहले जैसे बच्चे बाहर से भी फ़ोन करते हैं तो पहले शुरुआत टफी से ही होती थी कि टफी को दिखाओ, और बच्चे नहीं थे तो बच्चों के स्नेह की जगह हम टफी के स्नेह से ही अपने आप को ये समझते थे कि हमारा एक बच्चा हमारे बीच ही है। हमने उसकी यादों को बनाए रखने के लिए पूरा बच्चे अभी तो एक एल्बम बनाएंगे, वीडियो इकट्ठे कर लिए, और घर में भी हमने उसके प्रतीक स्वरूप एक समाधि बनाई है जिस पे हम दोनों टाइम उसके पसंद का ही भोजन रखते हैं। और जैसे घर के सदस्यों को, बुजुर्गों को जो नहीं है उनके लिए जो भोग लगाते हैं वैसे ही भोग भी लगाते हैं, वैसे ही अभी भी ये सोचते हैं कि हमारे बीच ही है। सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये मुख प्राणी है, इनकी भावनाओं को हम समझें, और अगर हमने पाल लिया है तो उनको उनकी दुर्गति न हो। इस परिवार के लिए यह सामान्य डॉग नहीं था, बल्कि परिवार का सदस्य था। परिवार के बेटा और बेटी जब भी अपने घर आते सब टफी को ही याद करते। परिवार की बेटी और बेटा काफ़ी समय से शिक्षा और काम के सिलसिले में घर से दूर रहे, ऐसे में छोटे बेटे के रूप में टफी ने इनकी कमी नहीं होने दी। सुख हो या दुख, इसने इनका साथ दिया। जायसवाल दंपत्ति भी अपने दिन की शुरुआत टफी की समाधि से करते हैं। उनका कहना है कि टफी हमारे लिए कोई जानवर नहीं था, बल्कि घर का सदस्य था। जुड़ाव तो भैया मेरा बच्चे के समान रहा उसके प्रति। जैसे मेरे एक बेटा बेटियां हैं, उसे ही मैं इसको भी अपना बेटा ही समझता था। और 16 साल जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ व्यतीत किया, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। के बाद जब इसका शरीर देवलोक गमन हुआ, उसके बाद हमने इसकी पूरी हिंदू रीति रिवाज से पहले दिन से 13वें दिन तक जिस तरह से संस्कार होते हैं उस तरह से संस्कार किया, और फिर मेरा बेटा ओंकारेश्वर में ले जाके उसको पिंडदान करते हुए बाल तक दिए, और हमने पूरे 13 दिन संस्कार से उसका पूरा करा। हम लोग एक पारिवारिक सदस्य था और हम उसको विदा होते नहीं देखना चाहते थे,
मगर चूंकि ईश्वर की ऐसी वो थी कि उसको जा नहीं पड़ा, तो हमने घर में ही अपने घर के आंगन में एक समाधि उसकी बनाई। हम चारों बच्चों और उनके परिवार के से सदस्यों के एक ये फीलिंग तो ये समझ लो 24 घंटे हमको उसकी कमी तो अखर रही है, मगर उसके बावजूद भी हमने जब उसको आंगन में ये शिफ्ट करा तो हमको लगता है कि हमारा टफी हमारे पास है और हम इसको रोज़ सुबह शाम इसके स्वागत के साथ माला वगैरह अर्पण करते हैं, अगरबत्ती और दिया जलाते हैं, इसके उसमें मनपसंद जो भी भोजन रहता है डेली हम इसको अपना प्रसादी ग्रहण करवाते हैं। ये बच्चा जो हमारा था टफी हम बोलेंगे इसको, बहुत हमारे लिए एकदम। इंसानों के बीच फैली इस नफ़रत के दौर में मोहब्बत का संदेश देती यह तस्वीर रिश्तों की अहमियत बयां करने के लिए काफ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, खंडवा।